हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों। इस मोदी जी को दोस्तों बहुत ही धन्यवाद दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया दोस्तों। ऐसा काम किया है जिससे आपको अमीर को भी फायदा होगा, गरीब को भी फायदा होगा दोस्तों, और बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी फायदा होगा दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि ऐसा ये कौन सा काम कर दिया दोस्तों जो सभी को जो है सो फायदा मिलेगा दोस्तों। आज मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा कि ई रूपी के बारे में बताऊंगा दोस्तों कि आखिर ये क्या लॉन्च किया दोस्तों जो सभी को जो है सो क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट होगा दोस्तों। और ये ई रूपी क्या होता है और ये किस प्रकार जो है सो अपना वर्क करेगा जो सभी को जो है सो क्या होगा, प्रॉफिट होगा दोस्तों, और इससे कभी भी चोरी नहीं हो पाएगी। जिस मकसद के लिए जो है सो अगर किसी को पैसा दिया जाएगा, केवल वही काम वो कर सकता है और दूसरा नहीं कर सकता है। तो देखिए दोस्तों कौन ऐसा काम कर दिया है। तो देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 अगस्त 2021 को मोदी जी ने एक नया प्लेटफॉर्म पेमेंट के लिए जो है सो शुरू किया है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों ई रूपी। ये बिल्कुल दोस्तों यूपीआई की तरह ही काम करेगा, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही यूनिक होगा, इसमें कोई भी चोरी नहीं हो पाएगी। मतलब जिस मकसद के लिए अगर पैसा अगर किसी को दिया जाएगा ना, केवल वही काम वो कर सकता है दोस्तों और दूसरा काम नहीं कर सकता है दोस्तों। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर ई रूपी क्या है दोस्तों और ये किस प्रकार वर्क करेगा जो मतलब इससे जो है सो सभी को जो है सो क्या होगा दोस्तों, बहुत ज्यादा जो है सो प्रॉफिट होगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आप यूपीआई के बारे में जानते होंगे दोस्तों, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कौन नहीं जानता है कि यूपीआई क्या होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों एक ई रूपी और दूसरा आपको क्या यूपीआई दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये इसका जो है सो ये शुरू कब से किया गया, तो 2 अगस्त 2021 से, लेकिन आपको यूपीआई दोस्तों 11 अप्रैल 2016 से ही क्या होता आ रहा है दोस्तों, तो चल रहा है ये मतलब 11 अप्रैल 2016 से ही क्या होता आ रहा है, तो चल रहा है दोस्तों। और इसके बारे में आप भली भांति ही जानते होंगे। मैं आप लोगों को क्या बोला दोस्तों कि ये सेम आपको यूपीआई की तरह ही काम करेगा, उसी का जो है सो एडवांस वर्जन के रूप में जो है सो ई रूपी जो है सो लॉन्च किया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले एक बात आप जान लीजिए दोस्तों कि ये ई रूपी और यूपीआई इस दोनों को जो है सो कौन बनाया है दोस्तों। तो अपने इन दोनों को जो है सो बनाने वाला है दोस्तों एनपीसीआई। कौन है दोस्तों? एनपीसीआई। इन दोनों को बनाने वाला जो है सो एनपीसीआई है। तो आप क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि आखिर एनपीसीआई क्या होता है और ये किस प्रकार जो है सो किस प्रकार का जो है सो काम करता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि एनपीसीआई का पूरे फुल नेम क्या होता है। तो याद रखिए कि एनपीसीआई का पूरे फुल नेम होता है दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। तो दोस्तों इसका काम क्या होता है, तो देखिए जितने भी पूरे देश में मतलब पेमेंट का काम होता है ना, जैसे पैसा ट्रांसफर करना और देश दैट बहुत सारा जो है सो काम होता है ना, वो सब इसी के अंदर होता है दोस्तों, एनपीसीआई के अंदर ही होता है। आप इसको अम्ब्रेला भी बोल सकते हो दोस्तों, क्योंकि अम्ब्रेला में क्या होता है दोस्तों? छाता। मतलब इसी छतरी के अंदर जो है सो सभी तरह का जो है सो काम होता है दोस्तों, मतलब पैसा ट्रांसफर करना, देश दैट कितना सारा काम होता है दोस्तों, ये सभी जो है सो किसके अंदर काम होता है आपको, तो एनपीसीआई का अंदर ही होता है। और मैं आप लोगों को बता दिया कि एनपीसीआई का पूरे फुल नेम होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि कोई भी जो है सो मैसेज या सुविधा क्यूआर कोड के द्वारा ही जो है सो आप दिया जाएगा दोस्तों, कुछ भी। तो क्यूआर कोड दोस्तों आप जानते होंगे, जिसका जो है सो पूरे फुल नेम होता है दोस्तों क्यूक रिस्पॉन्स। क्यूआर आप जानते होंगे कि ये बहुत तेजी से क्या करता है, आपको काम करता है। आप भली भांति जानते होंगे दोस्तों कि आजकल आप देखोगे कि क्यूआर कहीं भी दुकान पर जो है सो आजकल पे फोन सब जो है सो चलता है, आप तुरंत जो है सो क्यूआर कोड के द्वारा जो है सो स्कैन कीजिए और तुरंत उसको जो है सो क्या कीजिए, सेकेंडों में जो है सो पेमेंट कीजिए और वहां से क्या हो जाइए तो निकल जाइए दोस्तों। मतलब इतना अच्छा है। तो आप जो है सो कुछ भी कोई भी मैसेज या सुविधा जो है ना सो क्यूआर कोड के द्वारा ही जो है सो दिया जाएगा दोस्तों, इसी के द्वारा जो है सो दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिसके पास बड़ा फोन है तो वो जो उसको जो है सो क्यूआर कोड जो है सो दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास अगर छोटा फोन है तो उसके लिए क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जिसके पास छोटा फोन है ना दोस्तों, उसको एसएमएस के द्वारा जो है सो कोड दिया जाएगा, और वो कोड अगर जिसको अगर देगा ना तो दोस्तों उसका जो है सो सुविधा उसको क्या हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों एसएमएस, जिसको शॉर्ट मैसेज सर्विस कहा जाता है दोस्तों। तो उसके द्वारा उसको, जिसके पास छोटा फोन है उसको एसएमएस के द्वारा कोड दिया जाएगा, और जिस काम के लिए दिया जाएगा वहां पर वो जाएगा ना, तो उसका काम क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा दोस्तों। तो आप सबसे पहले एक बात समझ ली दोस्तों कि आखिर ई रूपी क्या है और इससे जो है सभी को क्या प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि देखिए दोस्तों, सरकार जो है सो बहुत सारा चीज जो है सो मतलब कभी जो है सो लॉन्च करते हैं, जैसे मान के चलिए जैसे पीएम किसान किसी को 2000 रुपया देता है, और जो है सो तरह तरह के काम करने के लिए सरकार जो है सो सभी को क्या देते हैं, आपको पैसा देते हैं। मान के चलिए पीएम किसान के लिए मान के चलिए 2000 रुपया देता है, तो सपोज दैट मान के चलिए कि वो देता है ना तो खाद खरीदने के लिए देता है, लेकिन बहुत सारे आदमी ऐसे आपको देखने को मिले
देगा दोस्तों कि वो 2000 रुपया ले लेता है और क्या करता है जानते हैं दोस्तों, तो वो दूसरा चीज़ कर लेता है। वो ऐसा व्यक्ति है दोस्तों जो पार्टी कर लेता है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है दोस्तों जो कपड़े खरीद लेता है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है दोस्तों जो दारू पी लेता है, ऐसे भी आदमी है दोस्तों। लेकिन उसको पैसा किस चीज़ के लिए दिया जाता है, तो खाद के लिए दिया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, ये तो आपको अपने में जो है सो ये छोटा मोटा गरीब व्यक्ति में जो है सो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कभी कभी और बड़ा व्यक्ति के लिए जो है सो सुन लीजिए दोस्तों, बड़े व्यक्ति के लिए क्या होता है, तो मान के चलिए कोई बहुत बड़ा कंपनी है, सपोज दैट कुछ भी ले लीजिए आप, कोई जो है सो एप्पल कंपनी है मान के चलिए, तो एप्पल कंपनी जो है सो बहुत बड़ा है दोस्तों, तो वो अपने स्टाफ को अगर दिया मान के चलिए, उसको बोलेगा कि तुम जाओ और ताज होटल में जो है सो 2-3 दिन जो है सो सही से रहो, मैं इतना पैसा मैं तुमको भेज देता हूँ, तुम जाके सही से जो है सो वहाँ पे रहना। तो मान के चलिए जितना पैसा उसको देता था ना, तो पहले वो क्या करता था, तो बहुत सारा व्यक्ति पैसा बचाने के चक्कर में क्या करता था दोस्तों, तो वो जाके ताज होटल नहीं जाके, वो दूसरे होटल में जाके सो जाता था और पूरे पैसा अपना क्या कर लेता था, बचा लेता था दोस्तों। तो लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, मान के चलिए कि बहुत बड़ा कंपनी है ना, उसको जितना पैसा देगा ना, उसको ताज होटल के लिए पैसा दिया जाएगा ना, तो उसके मोबाइल पर जो है सो क्या भेज दिया जाएगा दोस्तों, QR जो है सो भेज दिया जाएगा। अब देखिए जितना पैसा भेजा ना, तो वो केवल कहाँ पर काम करेगा दोस्तों, तो ताज होटल में ही, वहीं पर वो उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा वहाँ पर ही काम कर सकता है, अदरवाइज दूसरे जगह वो काम नहीं कर सकता है। अगर 2-3 दिन अगर उस पैसा का उपयोग नहीं किया जाएगा दोस्तों, तो वह पैसा उसका पुनः क्या हो जाएगा, उसी के पास जो है सो दोबारा क्या हो जाएगा, लौटा दिया जाएगा दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये ई रूपी आने से बहुत ही प्रॉफिट होगा दोस्तों, सबको होगा। अब मान के चलिए कि मुझे दे रहा है खाद, सपोज दैट मुझे खाद देने के लिए जो है सो पैसा दे रहा है दोस्तों, और मैं उससे जो है सो दारू पी लेता हूं दोस्तों, तो ये कैसे चलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि देखिए अगर मान के चलिए मुझे अगर 2000 रुपया अगर देगा ना, तो वो मेरे मोबाइल में एक QR जो है सो भेजा जाएगा दोस्तों, और वो QR मतलब जो भेजा जाएगा ना, वो केवल कहाँ काम करेगा, तो खाद लेने के लिए मुझे कहा है ना, तो वो केवल खाद वाले दुकान पर ही काम करेगा और कहीं नहीं काम करेगा दोस्तों। और ये NPCI जो है सो मतलब तीन बनाएगा दोस्तों, एक मेरे पास अगर मान के चलिए मुझे अगर 2000 रुपया देता है, तो एक मेरे पास सेंड करेगा, एक वो खुद अपने पास रखेगा, और वो एक जो है सो किसके पास देगा आपको, तो खाद वाले के पास, क्योंकि मुझे खाद लेने के लिए पैसा दिया जाता है ना, तो खाद वाले के पास जो है सो ही वो QR दिया जाएगा। अगर दूसरे के पास, अगर दूसरे QR के पास जाकर मैं स्कैन करूंगा ना, तो वो काम नहीं करेगा दोस्तों, वो इनवायलेट जो है सो बताएगा दोस्तों। तो बताइए दोस्तों है ना अमेजिंग, कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब मान के चलिए कोई सरकारी कर्मचारी है दोस्तों, मान के चलिए कि उसको गाड़ी का काम है, तो उसको क्या कहता था कि आप 10000 रुपया लो और इससे पेट्रोल आप भरा लेना और टोटल जो है सो अपना काम करना। तो क्या करता था सरकारी कर्मचारी, आप जानते होंगे दोस्तों कि 10000 के जगह पे वो 1000 पेट्रोल भरा लेता था और काम भी नहीं करता था सही से, और वो 9000 रुपया क्या कर लेगा, आराम से क्या कर लेता था, आपको बचा लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, सरकार जो है सो उसकी मोबाइल पर जो है सो QR जो है सो सेंड करेगी, आप केवल पेट्रोल के लिए उसको बोला है ना, तो वो पेट्रोल ही खरीद सकता है और दूसरा चीज वो नहीं खरीद सकता है दोस्तों। और 10000 का है, तो वो 10000 उसको डलवाना पड़ेगा, नहीं तो वो पैसा का यूज आप वो कहीं नहीं कर सकता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर ये कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे जो है सो चोरी होने का संभावना है ही नहीं दोस्तों। इस लॉकडाउन में भी जो है सो कितना घटोला हुआ था दोस्तों, मान के चलिए मतलब किसी को दिया था मास्क आपको, जैसे सरकार मास्क दिया था क्या आपको, मास्क दिया क्या, मतलब 20 रुपया वाला मास्क बोला था बांटने के लिए, और वो क्या किया दोस्तों, तो मतलब आजकल ऐसे भी घुसखोर आदमी सब है जो 2-3 रुपया वाला मास्क क्या कर दिया दोस्तों, बांट दिया। तो आज से अगर ई रूपी जो है सो आ गया है, तो और ऐसी समस्या जो है सो बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों। आप बताइए दोस्तों कि आप नीचे कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा कि ई रूपी आने से जो है सो कितना प्रॉफिट हो सकता है, और सभी केवल एक व्यक्ति को नहीं दोस्तों, सभी व्यक्ति को जो है सो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये छोटा सा जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और दोस्तों आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे दोस्तों। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर आप भी इस चैनल पे अगर फैमिली का मेंबर बनना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल फ्री है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।